Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Mahila एवं बाल विकास केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भाजपा के प्रदेश में जीत सुनिश्चित करने के लिए एक के बाद एक तीखे वे भावनात्मक सवाल कर मेरठ के प्रबुद्ध जनों को सोचने मुद्रा में डाल दिया। उन्होंने सीधे सवाल किए, सांस ढले बेटियां सहसम्मान सुरक्षित घर लौटाएं, अगर ऐसा विश्वास करना है तो भाजपा को वोट देना, अगर माफियाओं की संपत्तियों पर बुलडोजर चलवाना है तो भाजपा को वोट देना, अगर शहर व प्रदेश में कानून का राज स्थापित कराना है तो भाजपा को वोट देना। जो लोग कह रहे हैं कि सरकार आने पर चुन चुन कर बदले लेंगे तो वह यह यकीन से जान ले उनकी सरकार नहीं आएगी और जनता उनका बुरा हाल कर देगी। स्मृति ईरानी आज भाजपा के कैंट प्रत्याशी अमित अग्रवाल के समर्थन में होटल डीरोज में प्रबुद्ध जनों के सम्मेलन को संबोधित कर रही थी। संबोधन के दौरान उनके चित परिचित अंदाज व आकर्षित भाषा शैली को फर्स्ट बाइट टीवी ने अपने कैमरे में कुछ इस तरह से कैद किया, देखिए। अगर गलत तरफ वोट पड़ा तो क्या किसी मजबूर बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ का पाप आप अपने सर पर ले लेंगे? अगर गलत जगह वोट पड़ा तो किसी जवान बेटे की अर्थी उठाने का बोझ हम सह पाएंगे? आज उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि कानून अगर तोड़ोगे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हें पुलिस की गिरफ्त में लेकर जेल के पीछे सजा कटवाने पर मजबूर कर देगी। दिल पर हाथ रख कर कहिए, किसी और राजनीतिक दल के बारे में आप धड़ल्ले से ये बोल सकते हैं? इसलिए सत्य है कि मेरठ में 21 लाख नागरिकों को वैक्सीन मुफ्त में मिला, ये सत्य है कि 5 लाख परिवारों को इस पूरे कोविड की महामारी में अनाज मुफ्त में सतत मिला, ये सत्य है कि आपके इस मेरठ शहर को राज्य मार्ग से जोड़ने के कई सफल प्रयास हुए, और आज जैसे कि अमित जी कह रहे हैं, हाँ ये सत्य है कि दिल्ली से मेरठ मैं 1 घंटे में आई हूँ, 3 घंटे का फासला मैंने तय नहीं किया, लेकिन एक सत्य ये भी है कि 10 तारीख जितनी परीक्षा अमित अग्रवाल की है उतनी आपकी भी। आप अपने वोट से देश की राजनीति को संदेश देंगे कि आपका वो वोट, एक वोट क्या संदेश देता है समाज को, देश को? अगर वोट देना है महिला संरक्षण और सम्मान के लिए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर वोट देना है कि अपराधी कभी सर ना उठा पाए, हाँ हम उन अपराधियों के ऊपर बुलडोजर चलाएं, उनकी अवैध संपत्ति को हम लेकर खजाने में जनता के भर पाएं, तो भारतीय जनता पार्टी किसान सम्मान निधि के अंतर्गत प्रदेश के हर किसान के बैंक के खाते में 6,000 रुपया जाए तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। अगर इस बात पे आपको विश्वास है कि बेटियां सांझ ढले सुरक्षित सम्मान के साथ घर लौटे, इसमें आपका भी समर्थन और योगदान होना चाहिए, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे। और हाँ, वो नेता सपा का जो कहता है कि चुन चुन कर बदला लेगा, आने दो उसकी सरकार, सरकार नहीं आएगी। क्योंकि ये प्रदेश निडर होकर विकास के पथ पर चल चुका है, और एक बार जब निडर हो जाता है इंसान, विकास को स्वीकार करता है इंसान, तो वो इंसान कदम पीछे कभी नहीं हटाता। तो अगर कदम समृद्ध राष्ट्र, समृद्ध उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ाना है तो कमल का बटन दबाना है। कि उस नेता से कहना चाहती हूं कि इस लोकतंत्र में जनता क्या हश्र करती है वो इस चुनाव में आपको एक बार फिर पता चल जाएगा।
एक कहावत है, चोरी ऊपर से सीना जोरी। लेकिन उसके लिए क्या कहावत कहे जिसकी राजनीति चली ही है खौफ के इस माहौल में, उसकी राजनीति की क्या कल्पना करे, क्या विश्लेषण करें, जिसकी राजनीति उस धरा से प्रस्फुटित हुई जहां स्वयं उनके पिता, जब महिला का शोषण महिला के प्रति अपराध होता है तो उनके पिता कहते हैं कि लड़के हैं, लड़कों से ऐसी गलती हो जाती है। गलती हो जाती है कहने वाले, सजा उनको जनता ने दी कि अपराध की जब पराकाष्ठा हुई तो जनता ने कहा कि महिला और समाज के सम्मान में हम घर से बाहर आएंगे और पोलिंग बूथ पर जाकर कमल का बटन दबाएंगे। सुना है आजकल ऐसे लोगों के सपने में कृष्ण भगवान आते हैं, अच्छा है। जो राम राज्य के खिलाफ थे अब राम का नाम जपने लगे हैं, अच्छा है। जो कहते थे कि राम का कोई अस्तित्व नहीं है, जिनकी सरकारों में जाकर कोर्ट में एफिडेविट दिया जाता था कि राम मंदिर का क्या, राम सेतु का क्या, भगवान राम का ही अस्तित्व नहीं है, आज वो मंदिर मंदिर जाकर भगवान से गुहार लगा रहे हैं कि हे प्रभु जनता से कहो हमारी थोड़ी सुनिए। पूर्वजनों के सम्मेलन के बाद केंद्रीय मंत्री ने अमित अग्रवाल संग मुल्तान नगर रोहटा रोड फाजलपुर में भाजपा के पक्ष में मतदान की अपील की। माधवपुरम में भी स्मृति ईरानी का भव्य स्वागत हुआ। इस खबर में फिलहाल इतना है, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। मैं हूं रवि शर्मा, नमस्कार।